आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस पेस्ट स्पेशल के बारे में, और पेस्ट स्पेशल पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। जैसे हमने लास्ट क्लास में कॉपी पेस्ट और पेस्ट जैसे वैल्यू वगैरह बताया था क्या होता है, जस्ट बेसिक थिंग, हम कुछ आज जो है बाकी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक ऑप्शन ये होता है कि मैं कुछ नंबर यहाँ लिखा और कोई नंबर किसी और लोकेशन पर हो, सेम सी अनदर सीट अनदर फाइल के लोकेशन में हो, तो अगर हम इसको कॉपी करके नॉर्मली पेस्ट करते हैं तो उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन मैं राइट क्लिक करके जब पेस्ट स्पेशल करता हूँ तो वहाँ पे एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के अंदर में हमारे पास कुछ कैलकुलेशन होता है, जैसे कि नन मतलब कुछ नहीं, ऐड कर देंगे तो दोनों के बीच में एडिशन हो, जहाँ से कॉपी हो रहा है जहाँ पे पेस्ट हो रहा है उसके बीच में एडिशन हो जाएगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट, फाइनल रिजल्ट जो होगा वो यहाँ पेस्ट होगा। जैसे 30 या 20 एडिशन होने पे 50 हो जाएगा, तो 30 पे 50 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, माइनस हो जाएगा सर, माइनस 10, एक मिनट हम करके देख लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 30 माइनस 20 होना चाहिए एज पर थ्योरी, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, कभी इस एंगल से सोचा नहीं था। तो जहां पेस्ट होता है उसमें से माइनस होता है, उसको बेस लेके चलता है। सेम होगा अगर मान लीजिए बेस लेके चलेगा सर, डिवाइड, हम डिवाइड तो पता ही है, तो क्या डिवाइड कोई होगा। लेकिन इस हाँ इसका इस्तेमाल कैसे होता है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक उसके लिए एक सैंपल डेटा हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ डेटा नेम का डेटा ले लिया और यहाँ पे उनके प्रोडक्ट के सेल 5-6-7 प्रोडक्ट है, उनका सेल मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और रैंड बिटवीन फॉर्मूला मैं रैंडम नंबर लाने के लिए यूज करता हूँ, सैंपल डेटा है रैंडम नंबर लाने के लिए बराबर यूज करूंगा। इसका एक खासियत भी है कि कहीं मैं डबल क्लिक करूँ तो चेंज होगा, ठीक है, कहीं भी डबल क्लिक करूंगा तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम है कि मैंने डेटा बनाया, ये मेरा सेल्स डेटा है, बना लिया, अब मैं किसी को भेजना चाहता हूँ। तो जो मेरे कंसर्न पर्सन है वो बोल रहे हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि नीरज ने कितना क्वांटिटी सेल किया है, इन सबको एक टारगेट था 70 का, बस मुझे बताओ कि किसने कितना परसेंट टारगेट अचीव किया, समझे। मतलब कि वो ये नहीं चाहते कि 15 सेल हुआ, वो चाहते हैं 15 / 70 ताकि परसेंटेज निकले और परसेंटेज का सैंपल 21% अपना एज टारगेट अचीव किया, ओके। तो कैसे करेंगे, एक एक करना मतलब मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको कॉपी कीजिए और पूरे एरिया को सेलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट एज ए डिवाइड कर दीजिए। तो जहाँ पेस्ट हो रहा है और जहाँ से कॉपी हुआ है तो कॉपी से डिवाइड हो जाएगा सारा और आपका परसेंटेज आएगा। यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है कि मेरे पास जो है हर किसी का अलग अलग टारगेट है, क्योंकि ये तो एक टारगेट था तो कर लिया, बट वी हैव द डिफरेंट टारगेट, यहाँ पे हम डिफरेंट टारगेट लेके हर किसी का अलग अलग टारगेट है। तो मुझे जो है जैसे कि 15 को 10 से डिवाइड करना है, 42 को 75 से, 64 को 58 से, 77 को 17 से, इस तरह से मुझे 1 by 1 करना है, क्योंकि हर पर्सन का हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टारगेट सेट किया गया है। तो 1 by 1 करने की बजाय आप पूरे एक टेबल को भी कॉपी कर सकते हैं और फिर इस पे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हमने कर दिया डिवाइड। तो एक एरिया टू एरिया को भी हम पेस्ट कर सकते हैं और यहां से हमने परसेंटेज लगा दिया।
तो इस तरह से वन बाय वन डिवाइड कर सकते। एक पूरा का पूरा एरिया और ये भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और भी है, जैसे कि ये नंबर जो आपका था, चलो ये तो मैनुअल टाइप था, लेकिन सपोज दैट ये नंबर्स जो है हमारा कोई फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रैंड में। सुरभि जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? आज लेट हो गया, मैं वेट किया था 10 मिनट आपका। तो मेरा जो ए है जो है रैन बिटवीन फार्मूला, मान लीजिए कोई भी फार्मूला, वी लुकअप एस लुकअप भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला भी हो सकता है। सो मैं चाहता हूँ मेरा फार्मूला रिमूव ना हो बट ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। तो इसको कॉपी कीजिए और इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें जो है आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए। आप देखेंगे कि इसने फार्मूला ऊपर में देखिए यहाँ पे फॉर्मूला को इसने ब्रैकेट में लेके फिर इसने नंबर से डिवाइड किया हुआ है। अगर मान लीजिए जहां से कॉपी हुआ है वहां से भी फॉर्मूला है, दोनों जगह फॉर्मूला है, मैं चाहता हूं कि इसकी जो फॉर्मूला है वो इस पे ले। अब बोलेंगे सर फॉर्मूला आ गया, ड्रैग भी तो किया जा सकता है, लेकिन क्या है कि हर कॉलम के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, सो हम ड्रैग नहीं कर सकते, किसी में कुछ लगा है किसी में कुछ लगा है, इसलिए हमें फॉर्मूला को लेके करना है। तो उस केस में जब हम कॉपी करते हैं राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ ऑपरेशन में मैंने डिवाइड ले लिया है, और ऊपर ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे फॉर्मूला को सिलेक्ट करें, और फॉर्मूला से फॉर्मूला डिवाइड होगा। मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, ये फॉर्मूला है बट फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो उस केस में हम वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है उससे हमारा नंबर डिवाइड होगा। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, मैंने वैल्यू सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिवाइड सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये एंगल समझ में आ गया आपको? सिमरन जी आपको समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सेल्स का कॉलम है। मान लीजिए कि हमें सेल्स फिगर मिला हुआ है कहीं से, और हमारे बॉस ने बोला कि इस बार इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो कि ये सारे ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमें इस पे आगे इंसेंटिव या कमीशन देना है। तो एक बार चेक कर लो कि रिटर्न वगैरह तो नहीं हुआ है या पेमेंट वगैरह ड्यूज नहीं है, ये चेक करने की बात हुई। तो हमने क्या किया कि वन बाय वन वाउचर या जो भी सेल्स का सोर्स है उसको लिया और वन बाय वन हमने फिगर चेक किया। अब ये सिर्फ सेल्स कॉलम है, बट आपके पास इमेजिन कीजिए कि डेटा है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं और सेल्स वाले फील्ड को आप करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 85 है, 36 है, 85 है, 32 है, इस तरह से अलग अलग आपके सामने। तो मुझे क्या करना है कि इसमें से हमारा जो जो गड़बड़ है, पता चला कि 32 नहीं, यहाँ पे 23 था, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे दो पीस जो है रिटर्न हुआ है। ये 30 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हजारों डेटा में से कुछ डेटा को हमने क्रॉस चेक कर लिया। अब ऐसे क्या है कि कॉलम में हो सकता है कि 10,000 डेटा हो, उसमें से आपने 1,000 चेंजिंग की है, वो चेंजिंग को मुझे अपडेट करना है। जैसे कि मैं मैनुअल करूँ तो यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, तो हजारों डेटा को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्या बोल रहे सर, होगा ना डिफिकल्ट सौभिक जी? लेकिन पेस्ट स्पेशल में हमारे पास एक फीचर है, हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहां हम करेंगे स्किप ब्लैंक। अब स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जहां जिस एरिया में आप कॉपी करता है, जिस फील्ड में डेटा है उसको रखेगा, जिस फील्ड में डेटा नहीं है उसको स्किप कर देगा। ओके,
उसको स्किप कर देगा। तो यहां देखिए, तो वही डेटा चेक हुआ। अगर नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर देते क्या होता, आपका ये ब्लैंक यहां पे तो आता बट ब्लैंक ही पेस्ट हो जाता। सो ब्लैंक नहीं करना है। हमने पेस्ट स्पेशल पे राइट क्लिक किया और यहां पे हमने किया स्किप ब्लैंक, यहां दिखा स्किप ब्लैंक एंड क्लियर है। बता रहा हूं मैं, हमने ये तो लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था ना, अब इसको क्लियर किया हमने। ये बताया था ना, मैंने बताया था ना ऑल स्टैक्ड बॉर्डर, मतलब कि जो लाइनिंग है बॉर्डर है उसको नहीं आएगा, कॉलम बिट्स, कॉलम की जिस बिट्स पेस्ट करेगी। आपने आई थिंक वीडियो चेक नहीं किया क्या? इसमें सिर्फ मैंने आपको वैलिडेशन नहीं कराया, क्योंकि वैलिडेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको। जब मैं वैलिडेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इसको बता, कौन सा सोर्स थेम वो पढ़ाया नहीं ना। देखिए जो चीज मैं आपको छोड़ रहा हूं उसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए। जो भी डेटा होता, सुनिए, जो भी डेटा होता उसको वो पेस्ट कर देता। नहीं नहीं, एक कंडीशन में चलेगा ना सर, एक कंडीशन लेता है। तो हमने कंडीशन क्या दिया, हमने कंडीशन दिया कि ब्लैंक को स्किप करें, तो फिर है तो उसने कर दिया। बाकी चीजों के लिए भी और तरीके हैं जो कि हम आगे क्लास में करेंगे आपके साथ, ठीक है। आगे बढ़े सर, अब इसमें अगला आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ। ये छोटे डेटा में अभी बता रहा हूँ तो इससे क्या होता है कि आपको फर्क पता चल जाता है। जब आप धीरे धीरे नॉलेज गेन होगा आपका तो फिर बड़े डेटा पे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं बड़ा डेटा पे दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा हुआ क्या। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक डेटा है, मैंने इसको ले लिया। अब मुझे इस डेटा को राइट क्लिक करना है पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल एंड वापस पेस्ट स्पेशल वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर देता है। इसका यूज हम लोग कभी कभी चार्ट्स वगैरह में यूज करते हैं डेटा को सेपरेट करने के। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है पेस्ट एज ए लिंक। अब लिंक क्या होता है, अब जैसे कि मान लीजिए जो यहाँ टाइप है B2 पे, मैं चाहता हूँ वही H2 पे शो, और जैसे B2 चेंज हो तो H2 भी चेंज हो जाए। तो हमने कॉमा यहाँ सेलेक्ट किया H2 को यहाँ पे और एंटर प्रेस कर लिया। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट इक्वल प्रेस किया और क्लिक कर लिया, या फिर डायरेक्ट आप B2 टाइप भी कर दो तो ये लिंक हो गया। जैसे मैं यहाँ चेंज करूँगा, जैसे एंटर प्रेस करते ही ये चेंज हो जाएगा, और सेम सीट अनदर फाइल पे भी सेम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरा नहीं लेना होता, अब मुझे पूरा चाहिए मान लीजिए कभी कभी, तो जो उसमें क्या है कि हम यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करेंगे और इसको आगे पीछे ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैगिंग वाला ऑप्शन हमेशा काम नहीं आता है, कभी कभी इसकी प्रॉब्लम भी हो जाती है जब हमें कुछ सिलेक्टेड डेटा चाहिए। हम अपना डेटा को कॉपी करेंगे, चाहे जो भी जिसको लिंक करना है उसको कॉपी कीजिए, पूरा डेटा को या डेटा के किसी पर्टिकुलर पार्ट को, और फिर आप उसमें पेस्ट स्पेशल
और पेस्ट स्पेशल में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया पेस्ट एज ए लिंक, यहां दिख रहा है। अब पूरा ये दोनों इसके साथ लिंक हो गया। मैं कुछ भी चेंज करूंगा, मैं 87 को 78 करके एंटर मारा तो चेंज होगा, लेकिन जस्ट वैल्यू, अगर मैं यहां पे कोई फॉर्मेटिंग चेंज करूं तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा, जस्ट इसकी चेंज होगी आपकी वैल्यू को, ये लिंक होता है। अब लिंक की बात के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है पिक्चर्स की, जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है। अब ये डेटा इतना बड़ा है, लेकिन मुझे डेटा को एक छोटे से एरिया में मान लीजिए शो करना है, एक छोटे से एरिया, इतना ही एरिया में शो करना है। तो क्या हुआ कि हम रो एंड कॉलम को छोटा करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने कॉलम छोटा किया, तो अब यहाँ पे तो चलो सेल्स छोटा है इसलिए ठीक है, लेकिन हो सकता है कि नीचे बहुत बड़ा डेटा हो। सो कॉलम साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि डैशबोर्ड पे, ज़्यादा डैशबोर्ड यूज होता है, डैशबोर्ड भी क्या करते हैं कि कॉपी करके इसको पेस्ट एज ए पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ, ये पिक्चर्स में आ गए, आप इसको बड़ा कीजिए या इसको छोटा कीजिए, पिक्चर की तरह बिहेव करेगा, कहीं मूव कीजिए कहीं रोटेट कीजिए आपके ऊपर। दूसरा इसका यूज हम लोग करते हैं कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो रेट होता है, मान लीजिए कि कोई रेट है हमारा या डिस्काउंट है या कुछ ऐसी स्लैब्स है, तो उन स्लैब को हम लोग जो है एक्सेल सीट पे ना लिख के उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमें श्योरिटी होती है कि कोई भी पर्सन इसको चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लिंक नहीं हो पाता है, कि अगर मान लीजिए मैंने इस पे कुछ चेंज किया तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि पिक्चर भी रहे बट लिंक्ड रहे, तो आपको इसी में लास्ट वाला ऑप्शन है पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, लिंक पिक्चर, उस पर क्लिक की। अब जो है आपके डेटा से लिंक है, मैं यहां पे मान लीजिए कि 54 करके एंटर मारो तो एंटर मारते यहां 54 हो गया। और यहां इस एक और खासियत है कि अगर आप कलर भी चेंज करते, जैसे मान लीजिए ब्लू कर दिया तो कलर भी चेंज होगा, क्योंकि रेडियो में यहां पर मई की जगह पे जून दे दिया, यहां पर नंबर दे दिया, तो क्या है कि अब मुझे दोबारा कोई बेस करने पड़ेगा क्योंकि एक बढ़ गया है, कोई बात नहीं। जैसे पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर यहां आपको दिखेगा एड्रेस, तो क्या है B6 है, 6 को 7 कर दीजिए, एंटर मारिए, ऑटोमेटिकली यहां नीचे जून आ जाएगा, इसका यूज कर सकते हैं। और इस सेम सीट पे अनोदर शीट पे अनोदर फाइल पे सेम प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि वर्ड एंड पावर पॉइंट जैसे अलग एप्लीकेशंस पे भी आप कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, वर्ड एंड पावर पॉइंट खोला, अब वर्ड, अब प्रॉब्लम है कि वर्ड में मान लीजिए कि मेरा कोई टेबल है, कोई लेटर है, तो उसमें मुझे इसकी जरूरत पड़ती है, और ये बार ये चेंजेबल है, ये हर दिन या हर घंटे चेंज होता है, तो मुझे बार बार कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ भी आपको पेस्ट स्पेशल होता है, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट लिंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ओके कर देंगे। ये आप डेटा लिंक्ड आपके उस एक्सेल फाइल से लिंक हो गया, इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि रेट में मैं चेंज करता हूँ, जैसे मई को मैंने कलर चेंज कर दिया तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो गया। कोई वैल्यू चेंज करते हैं 650 करके एंटर मार दिया तो यहाँ भी 650 हो गया। तो ये वर्ड और एक्सेल दोनों आपस में लिंक हो गया। सेम अगर स्लाइड कर रहे हो, पीपीटी कर रहे हो, तो जैसे आपने वर्ड में किया है वैसे उसी तरह से सेम आप पीपीटी में भी कर सकते। यहां पे हम आते हैं पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम यहाँ पेस्ट लिंक और ए सिलेक्ट करके ओके करते हैं। ओके, तो पावर पॉइंट पे भी सेम बिहेव करेगा, जैसे मैं इसकी कलर को नो कलर कर देता हूं। हो गया सर। अच्छा, आप लोगों में से आउटलुक कितने लोग यूज करते हैं?
तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आउटलुक पे भी इसको हम भेज दें, कर दें तो लिंक हो जाएगा। देखिए आउटलुक पे ऐसा नहीं कि आप लिंक कर दोगे तो किसी को मेल किया तो आप यहाँ चेंज करोगे तो वहाँ भी चेंज होगा, नहीं ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन आउटलुक पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कहाँ करते हैं मैं बताता हूँ आपको। मुझे जैसे कि अपने कलीग को ये मेल दिख रहा होगा, जब मेरा मंथ एंड आता था, मैं सेल्स कोऑर्डिनेटर था, तो मैं अपने सेल्स टीम को मंथ एंड आने पे हर घंटे मुझे सेल्स का एक अपडेट भेजना होता था और पिवट टेबल से तैयार होता था। तो कुछ इस तरह से मेल भेजनी पड़ती थी जो आप दिख रहे हैं, हर घंटे मुझे भेजनी होती थी। तो आपको हर घंटे आपको ये डेटा कॉपी पेस्ट करना होगा मैं हर घंटे, और आपने रिप्लाई ऑल कर दिया या फिर फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको, नहीं तो नया मेल कंपोज करके पूरा जो है टाइप सेट करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या आप अब न्यू मेल पे आते हैं, न्यू मेल पे आने के बाद जिसको मेल करना है उसका यहाँ पे आप दे दीजिए कि मुझे मेल किसको करना है, CC2 CC BCC जो देना है दे दीजिए, सेल्स अपडेट या जो भी सब्जेक्ट देना है सब्जेक्ट डाल दीजिए। जैसे मेल आप एक बार करते हैं वहीं पर, डियर सर मैम जो भी करना है कर दीजिए, प्लीज फाइंड यहां पे हम जो है ये जो डेटा है हमारा, इस डेटा को कॉपी करेंगे और नॉर्मल पेस्ट नहीं करेंगे। नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो हर बार आपको पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट एज ए लिंक कर देंगे एंड ओके। उसके बाद जो थैंक्स रिगार्ड वो देते हैं और दे दीजिए आप यहाँ पे। अब इस ये मत सोचिए कि मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा तो क्या हुआ कि मेरे इस एक्सेल फाइल से डेटा लिंक हो जाएगा, जी नहीं। मेल चली गई तो चली गई, वो चेंजेबल नहीं है। लेकिन आपको ये मेल हर घंटे या हर दिन करना है तो हम इसका टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे। कैसे, देखिए हम फाइल में जाएंगे सेव एज और नीचे आउटलुक मैसेज फॉर्मेट के जगह पे आउटलुक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे और एक लोकेशन पे आएंगे एंड सेव। बाद में इसको सेंड कर देता हूँ, चलिए। अब मुझे नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि मेरा डेटा अपडेट हुआ, यहाँ पे मैं डेटा का कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, मेरा डेटा अपडेट हुआ। अब मुझे इसको मेल करना है तो हमने जो टेम्पलेट बनाई है ना अभी थोड़ी देर पहले सेल्स अपडेट की, दिख रहा है ना, जस्ट इसको ओपन करेंगे, यस करेंगे और देखिए मेल हमारा तैयार है, तैयार है ना, चेंज हो गया कलर, ग्रीन हो गया ना, और मुझे सब कुछ फिट आ रहा है और मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेंड करने की जरूरत है। अगली बार हमारा डेटा चेंज होगा, बोलिए क्या बोल रहे। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेल को मैं वही बता रहा हूं, पहले अपना मेल तैयार कर लीजिए, राइट, रेडी टू सेंड। जब सेंड बटन पे क्लिक करना है उससे पहले आप क्या कीजिए, फाइल पे जाइए, सेव एज। सेव एज में जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा टैम्पलेट, एक्स माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक टैम्पलेट। टैम्पलेट जिसे मैं एक्सेल की टैम्पलेट बताया था कि हर बार आपको नया देता है, उसी तरह से ये टैम्पलेट आपका आ गया कि ये आपको हर बार रेडी टू प्रिपेयर मेल देगा। ठीक है, हमेशा प्रिपेयर कर देगा, मतलब कि हर बार आपको मेल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। बोलिए जी नहीं, हाँ ओपन होना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी ओपन ना होने पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो आपको राइट क्लिक करके अपडेट लिंक करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं भी बताता हूँ, देखिए यस किया। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए अपडेट नहीं हुआ क्योंकि आपकी फाइल ओपन नहीं थी वगैरह वगैरह, जो भी प्रॉब्लम हो सकती है,
तो मैं राइट क्लिक किया और यहां पे अपडेट लिंक क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अपने आप को अपडेट कर लेगा। अगर फाइल खुली हुई है तो आपको ऑटोमेटिक कर लेगा, फाइल बंद है नहीं हुआ तो इसको राइट क्लिक करके अपडेट लिंक कर लीजिए। तो फिर अपडेट लिंक करते ही क्या होगा कि आपको पाथ चेंज करने के लिए बोलेगा। पाथ चेंज करने में दिक्कत तो होगा ना सर, क्योंकि आपने जो बताया है रास्ता जो बताया वो चेंज हो गया, तो जो चेंज रास्ता बताना पड़ेगा ना पहले। समझ गए? तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल का है टॉपिक। लेकिन अब एक और टॉपिक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर मैंने आपको क्या बोला कि जो चीज मैं छोड़ रहा हूं उसको मैंने आगे पढ़ाया नहीं। क्या था इसमें? हाँ उसका, हाँ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा ना सर, समझ गया ना, उसके लिए आपको डायनेमिक नेम सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर में मैंने क्या किया हुआ है कि पिक्चर लुकअप बताया हुआ। अब वीडियो शेयर क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप इसकी वीडियो देख लें। जो वीडियो देख लेंगे तो आपको इसका मैटर समझ में आएगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको भेज देता हूं आप लोगों को ईमेल पे। सॉरी, मैं ईमेल पे नहीं, मैं इस पे भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो ये पिक्चर लुकअप है, इसको